பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அரே யார் ஃபிர் தோனே ஸ்டார்ட் கர தியா பதா தியா அரே பாய் சலோ கே தோஸ்தோ கோய் பாத் நஹி தபங் சிங் ஆ கயே தோ ஃபிர் பிக் பாஸ் கா ரிவ்யூ பி ஆ கயே தோஸ்தோ கல் ஜோ பிக் பாஸ் ஸ்டார்ட் ஹுவா தா வோ ஹுவா தா சித்தார்த் சுக்லா ஆர் சித்தார்த் தேவ் கி ஹல்கி புல்கி லடாய் கே சாத் யே தோனோ லடாய் கர்தே ஹே துஸ்ரே வே கானே கே ஊபர் பி யே கானா உஸ்கோ தே தியா யே லே லியா யே கம் ஹோ ஜாயேகா ஜாதா ஹோ ஜாயேகா தோ யே அப்னி அப்னி நோக் ஜோக் கர்தே ரஹதே ஹே ஆர் இஸ்கோ யே சாரே கர் வாலோ கோ பி இன்வால்வ் கர் லேதே ஹே भी चाय एक बार बनाओ चाय पत्ती कम है इस तरह सुबह सुबह शनास थी वो भी उठी उसे भी नियाना शौक चढ़ा था कि भाई कल डांट पड़ी थी ना मेरे को उसको कि भाई अपना खाने का तो ध्यान नहीं रखती है जो तेरे को ड्यूटी देगी ड्यूटी पूरी नहीं करती है तो वो भी सुबह सुबह उठने शुरू हो गई भाई इतनी चाय पत्ती यूज़ करनी है ये करना है वो करना है तो इसमें सारे हल्के हल्के लाइट झगड़ा स्टार्ट हो गया घर पर घर के अंदर और उसके बाद बिग बॉस ने सबको लिविंग रूम में इकट्ठा कर लिया और इस सीज़न का पहला टास्क दे दिया गया। इस टास्क में दो टीमें बना दी गई, टीम ए टीम बी। टीम ए को घोषित कर दिया गया डॉक्टर टीम और बी को घोषित कर दिया गया पेशेंट टीम। और एक जो टोटल प्लेयर थे हमारे 13, छः छः टीमें में डिवाइड कर दिए गए और एक अबू मलिक को उसका संचालक बना दिया गया। तो टीम ए में जो प्लेयर थे वो थे सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ देव, आरती, कोयना, आसिम और रश्मि। और टीम बी में थे शिफाली, पारस, देवुलिना, दलजीत, शहनाज और कोयना। और इस टास्क में टीम बी को बनाया गया पहले डॉक्टर और टीम ए को बनाया गया पेशेंट। तो डॉक्टर के अंदर इसमें दो जो बिग बॉस ने सेलेक्ट करे वो सेलेक्ट करे पारस और देवोलिना। और दूसरी साइड इन दोनों ने डिसाइड करना था कि हम कौन से प्लेस लेंगे एज ए पेशेंट। तो एज ए पेशेंट ने लिया सिद्धार्थ शुक्ला को और आसिम को। बिग बॉस ने कहा भी इन दोनों को प्रॉब्लम क्या है, इसकी स्क्रीन प्रॉब्लम है, तुमने इसकी स्क्रीन प्रॉब्लम को ठीक करना है। तो इसके टास्क के अंदर उन्होंने तरह तरह की चीज़ें गोबर कीचड़ शेविंग क्रीम ये वो सब लगा लगा के इन दोनों को तंग करना था और अपनी सीट से उठाना था। सबसे पहले इन्होंने आसिम पे शुरू करा, आसिम को पहली बारी क्रीम लगाई गई, आसिम वहीं से बरखला गया, लड़ाई झगड़ा करने लग गया और वहाँ से उठ गया क्योंकि मुझे टास्क नहीं करना, और उठ के वो बाहर आ गया। इस तरह आसिम आउट हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत ही अच्छी तरह खेला, बहुत बढ़िया गेम खेल रहा था, उस पर इतनी यातनाएं दी गई उनको, उतना प्रेशर दिया गया उसके ऊपर, गोबर डाल, हल्दी डाल, मिट्टी डाल, ये क्रीम व्रीम, पर वो अपनी सीट से नहीं उठा। एंड में बजर बनने तक सिद्धार्थ शुक्ला अपनी सीट पे बैठा रहा और वो ये टास्क जीत गया। तो इस टास्क में दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। तो जब दूसरी बार बजर बजा तो इस बार बिग बॉस ने कहा भी इस बार जो डॉक्टर जाएंगे वो दलजीत और मायरा जाएंगे, और दूसरी साइड उन्होंने सेलेक्ट करा अपना सिद्धार्थ देव को और कोयना को। अब इस बार जो टास्क था वो ये था भाई इन दोनों का पेट खराब है, इनको पेट की प्रॉब्लम है तो इनकी डाइजेशन ठीक करना है। इसमें हर एक चीज़ खिलानी थी, करेले थे, एलोवेरा था, हल्दी वल्दी ये वो सब खिलाना शुरू कर दिया। ये टास्क दोनों प्लेयरों ने जो कि पेशेंट थे कोयना और सिद्धार्थ देव अच्छी तरह प्ले किया, दूसरी टीम इनको हरा नहीं पाई और वो बजर बने तक वहीं बैठे रहे। तो इसमें डॉक्टर टीम को 0 पॉइंट मिले और उनको 2 पॉइंट मिले। जब थर्ड बजर बजा तो बिग बॉस ने इस बार डॉक्टर की टीम में सेलेक्ट करा, वो करा शिफाली को और शनास को, और दूसरी साइड इन दोनों ने सेलेक्ट करा जिस एज ए पेशेंट वो करा आरती को और रश्मि को। इसके अंदर बताया बिग बॉस ने भी इनको कान की प्रॉब्लम है, कान की बीमारी ठीक करनी है, मींस कि तुमने इनको बातें सुना सुना के इनको टास्क में पूरा बुरी तरह अगले पिछली सब बातें सुना के इनको अपनी सीट से उठाना है। इसमें दोनों ने बहुत कोशिश करी, शहनाज और शिफाली ने भी, बट दोनों उन आरती को और रश्मि को सीट से उठा नहीं पाए। बजर बनने के बाद दोनों भी सीट बैठी रही, तो इसमें भी 2 पॉइंट मिले पेशेंट टीम को और डॉक्टर पॉइंट को 0 पॉइंट मिला। कल जो टास्क बीबी हॉस्पिटल टास्क हुआ था इसमें पेशेंट टीम ए टीम जीती और बी टीम जो डॉक्टर टीम थी वो हार गई थी। अब टास्क हुआ था इसका रिएक्शन तो होना ही होना था, गेम खत्म होने के बाद जो भी आरती को इतनी बातें सुनाई गई भी तेरे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अफेयर था ये था वो था, जो कि शिफाली ने सुनाई, शिफाली और आरती की फिर लड़ाई जो पिछली लड़ाई चल रही थी वो उसको और आगे बढ़ा दिया गया और दोनों अच्छी तरह भिड़ गए। दूसरी जगह अपना पारस जो कोई मौका छोड़ता नहीं है आसिम के ऊपर चले थे, उसने आसिम को बोल दिया भाई तू मर्द बन, तू निठल्ला है, तू कुछ करता ही नहीं है, तू टास से खेला भी नहीं, तू टास में उठ गया, तो उसने उसको तकड़ा सुनाया और इन दो ये आपस में फिर भिड़ गए। बट वही एंड में जाते जाते पारस और आसिम दोबारा मिल गए, हंसी मजाक करने लगे, इसी तरह आरती और शिवारती भी दोबारा हंसी मजाक करने लगे। तो दोस्तों ये लड़ाइयाँ यूँ चलती जा रही हैं, दोबारा गिले शिकवे दूर भी किए जा रहे हैं और इस तरह बिग बॉस चलता जा रहा है। और एंड में शहनाज देव और अपना पारस तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे, ये दोबारा देखो शनास को और पारस से तो पहले ही बोलता है भाई किस लेने से कैलोरी बढ़ती है,
इतना शहनाज लगी हुई थी भाई, ठीक है मैं तुरंत किस करूं या इसको किस करूं, तो एक किस किस बहुत चल रहा है दोस्तों। हो सकता है आज देखने को मिले कि कौन किसको किस कर रहा है बिग बॉस में भी, क्योंकि टाइमिंग तो आपको पता ही है बिग बॉस का 10:30 से 11:30 कर दिया गया है, तो हो सकता है आज कोई किस देखने को बिग बॉस में मिल जाए आपको। दोस्तों ये तो थी कल के एपिसोड के बारे में, आज जो एपिसोड रहेगा इसी टास्क को, जो बीबी हॉस्पिटल टास्क है इसको आगे दिया जाएगा। आप जो ए टीम थी वो बी टीम का रोल प्ले करेगी, बी टीम ए टीम का रोल करेगी और इस टास्क को आगे करा जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों आपको एक और बड़ी बात बता दूं कि जो इस प्लेयर्स इस टीम के नॉमिनेशन में आए थे 5 लड़कियां, कोई वोटिंग लाइन्स बंद है इस टाइम, वोटिंग लाइन बंद है, तो हो सकता है ये बिग बॉस को ट्विस्ट हो कि इस वीक किसी को भी इलिमिनेट ना करें, या ये भी हो सकता है कि जैसे सलमान खान ने शुरू में बोला था कि भाई मैं अपनी मर्जी से इस बार घर से आएंगे और मेरी मर्जी से घर से बाहर जाएंगे, तो हो सकता है इन्हीं में से एक को सलमान खान खुद वीकेंड के बारे में बाहर निकालें। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों मैवरी कट देखते रहें। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम बिग बॉस का रिव्यू लेके, तब तक के लिए सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल।